माध्यम बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आश्वासन देके चले गए कि आप अयोध्या के राजा बने और शत्रुपा जी अयोध्या की रानी बने और मैं बेटा बन के आऊंगा। लेकिन 60,000 वर्ष हो गए महाराज दशरथ को, सोचिए जरा 60,000 वर्ष। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई, लेकिन महाराज श्री दशरथ के संतान ही नहीं हुई। 60,000 वर्ष तक संतान नहीं हुई। अरे भाई, कारण क्या है? गुरु नहीं मिला क्या? गुरु तो मिल गया था उन्हें। महाराज दशरथ के गुरु कौन हैं? श्री वशिष्ठ जी महाराज। और दशरथ जी के पिता के गुरु कौन हैं? बोले वशिष्ठ जी महाराज। उनके पिता के गुरु कौन हैं? कहा वशिष्ठ जी महाराज। यहां तक महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के महाराज दशरथ तक की परंपरा जो चली आ रही है, उसमें गुरु का स्थान किसको मिला? महाराज वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ ही गुरु रहे और साधारण गुरु नहीं है। कह कौन से गुरु, कैसे गुरु, इनकी क्या स्थिति है, इनकी क्या बौद्धिक क्षमता है? कहे गुरु विवेक सागर जग ज्ञाना। ओ जिन्हें भी सुकर बदर समान। ऐसे विवेक के सागर हैं वशिष्ठ जी महाराज कि समुद्र की गहराई को कोई भले ही माप ले, वैसे तो समुद्र की गहराई को मापने का कोई मापदंड अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन शायद समुद्र की गहराई को कोई माप ले, लेकिन गुरु वशिष्ठ के ज्ञान की गहराई को मापने का कोई मापदंड अभी तक तैयार नहीं हुआ। ऐसा गुरु मिला है अयोध्या को, ऐसा गुरु मिला है अयोध्या के राजाओं को। ऐसा गुरु पाकर के भी भगवान अभी तक नहीं मिला। 60,000 साल के हो गए महाराज दशरथ, लेकिन क्या भगवान मिले? नहीं मिले। अभी कहां मिले हैं? 60,000 साल की आयु हो चुकी है लेकिन भगवान नहीं मिले। जबकि महाराज मनु को भगवान आश्वासन देके आए थे कि मैं अस्थिर रूप से आ सकता हूं, जा सकता हूं, लेकिन स्थिर रूप से यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मुझे प्राप्त करने के पहले उसे गुरु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। बिना गुरु की कृपा के मैं कभी किसी के पास सदा सदा के लिए नहीं आ सकता। देखो भैया, हम लोग भगवान के सहारे जी रहे हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग भी भक्त हो तो यही भाव मानते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम अपने वैराग्य की बात पर भरोसा करते हैं, हम अपने वैराग्य पर भरोसा करते हैं। हमें जो वैराग्य के माध्यम से संदेश मिला है, उस संदेश पर हम विश्वास करते हैं, गुरु के आदेश पर हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे अंतःकरण में हर हालत में, हर हाल में, हर चाल में, हर ढाल में यदि भगवान है, अनुभव करता हूं कि मेरे साथ है, उसमें मेरा भजन नहीं है बल्कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है। ये मैं मानता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, गुरुदेव की कृपा मिली है। भजन तो जितना हो रहा है उतना हो रहा है, नहीं भी होता किसी दिन भजन नहीं भी हो पाता है, क्यों भाई? किसी दिन होता है, ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्यों भाई? लेकिन ये मैं मानता हूं कि नित्य ही भगवान के दर्शन का अनुभव मुझे हो जाता है, उसमें मैं भजन का प्रभाव नहीं बताता हूं बल्कि गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव बताता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है कि भगवान हमें एक पल एक क्षण छोड़ते नहीं है।
एक पल एक क्षण भी छोड़ते नहीं है। ये गुरुदेव की कृपा का बल है, उनकी कृपा की विशेषता है। दशरथ जी को 60,000 साल मिल गए, लेकिन दशरथ जी को भगवान नहीं मिले। दशरथ जी को बल मिल गया, धन मिल गया, सम्मान मिल गया, यश मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। अच्छा एक बात बताएं, दशरथ जी को बल कितना मिला? बल तो इतना मिला कि सुरपति बसही बाहुबल जाके, सुरपति बाहुबल जाके नरपति रही सकल रुखताके। बोलो ये भुजाओं का बल है। इसका मतलब है कि बल मिल गया। आपको बल मिल सकता है पुरुषार्थ से, आपको धन भी मिल सकता है पुरुषार्थ से, आपको यश भी मिल सकता है पुरुषार्थ से, लेकिन भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा, गुरु की कृपा नहीं मिल जाएगी, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। दशरथ जी को धन भी बहुत मिल गया। धन कितना मिला? अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लख धन द लजाही। ये धन मिला। अच्छा यश कितना मिला? यश आगे हुए सुरपति लेही अरध सिंहासन आसन देही। बोलो भाई ये सम्मान मिला कि नहीं? यश मिला कि नहीं मिला? इंद्र सिंहासन ही छोड़ देता है। महाराज दशरथ आते हैं तो इंद्र सिंहासन छोड़ देता है और अगवानी करता है। बोलो इसको क्या यश कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यश। तो यश भी मिला, धन भी मिला और बल भी मिला, लेकिन भगवान नहीं मिले। 60,000 वर्ष के हो गए। मन को केंद्रित करना, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए। ये कथा हो रही है, ये सामान्य और साधारण बात नहीं है। और ये रामचरितमानस पर आधारित बात कर रहा हूं, प्रमाण भी दे रहा हूं। अब प्रमाणिक बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। 60,000 वर्ष हो गए, धन मिल गया, बल मिल गया, यश मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। भगवान नहीं मिले। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, भगवान नहीं मिले, तब मिले कैसे भगवान? गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मो रे सुतनाही, भई सोतनाही भई गलानी मो
नहीं है, ये गिलानी हुई। 60,000 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी गिलानी कि महाराज श्री दशरथ प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब बोलो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि धन चाहे जितना हो, सम्मान भी चाहे जितना मिल जाए, बल भी पर्याप्त हो, लेकिन अगर संतान का अभाव है तो क्या जीवन से निराश और उदास हो जाओगे? संतान के अभाव में जीवन के प्रति इतनी बड़ी उदासीनता कि प्राण परित्याग करने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं, ये तो बुद्धि की अल्पज्ञता होगी। महाराज श्री दशरथ के मन में इतनी गिलानी हो गई, क्यों भैया, जब जीवन में गिलानी आ जाती है तो जीवन जीने का मन नहीं होता। फिर बोलो भाई, जब गिलानी हो जाए तो जीवन जीने का मन नहीं होता। लोग कहते क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने से, हैं? ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग गिलानी से जीवन जी रहे हैं, मैं कहता हूं वो जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं। वो जीवन जीना है नहीं, वो तो जीवन ढोना है। बोलो, है जीवन ढोना कि नहीं? और जीवन जीना चाहिए, जीवन ढोना नहीं चाहिए। लेकिन महाराज दशरथ जैसा बुद्धिजीवी आज गिलानी से भर गया और सोचने लगे कि मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। लेकिन एक बात याद आई, वो कौन सी बात? नैमिषारण्य की बात याद आई कि भगवान ने ये वचन दिया था कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन 60,000 वर्ष हो गए, अभी तक वो आया नहीं। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा कि ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है, किस पर भरोसा करूं? अरे संसार के लोग असत्य बोल सकते हैं, लेकिन संसार बनाने वाला ही असत्य बोल रहा है, तो जीवन जीने से फायदा क्या? अच्छा बोलो भाई, भगवान ने नैमिषारण्य में आश्वासन आने का दिया था कि नहीं, कि आप जाओ अयोध्या, वहां के राजा बनो। शत्रुपा जी से कहा आप भी साथ में जाइए, आप अयोध्या की महारानी बने, आपका नाम होगा कौशल्या और आपका नाम होगा दशरथ और मैं बेटा बन के आऊंगा। तो नैमिषारण्य में भगवान ने वचन दिया था, लेकिन वो असत्य सिद्ध हो रहा है कि मैं आऊंगा, अभी तक नहीं आया हूं। जैसे ही मरने का विचार आया और आगे कदम बढ़ाए तो हृदय से आवाज आई, रुको रुको। देखो एक बात आपको बताएं, जब कोई व्यक्ति मरने के लिए आगे कदम बढ़ाता है तो एक बार हृदय से आवाज आती है, रुको रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। क्यों? आत्मा कहती है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बोलो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। रोका जाता है आपको, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि ना चाहने के बाद भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, ना चाहने के बाद भी। हमने तो ऐसा भी देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों को आत्महत्या करते हुए देखा, इंजीनियरों को आत्महत्या करते देखा, प्रोफेसरों को भी आत्महत्या करते देखा, लेकिन स्टेशन पर भीख मांगते हुए भिखारियों को ट्रेन से कटते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा मैंने पूरे इंडिया की यात्रा की कि कोई भीख मांगता हुआ भिखारी पटरी पे सो गया हो, कट गया हो। बोलो भाई, सोचो जरा, ये भीख मांगते हैं, भूखे भी मरते हैं, स्टेशन पे भी पड़े रहते हैं, ठंडी में इनको ठंडी भी लगती वो भी सहते हैं, गर्मी में गर्मी सहते हैं, पानी में बरसात के छींटे झकोरे सहते रहते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, मरते नहीं हैं। अभी चित्रकूट के स्टेशन पर कम से कम 8 भिखारी हैं, हम देख रहे हैं 28 साल से, बुखार तक नहीं आया कोरोना में उन्हें। और सुनो भाई,
कोरोना इतनी बड़ी महामारी है देश में, लेकिन उनको बुखार तक नहीं आया। सोचो जरा, विचारवान श्रोताओ, बुद्धिजीवी होकर के आत्महत्या करना, इससे बड़ी नाइंसाफी और दूषी हो नहीं सकती। सोचो जरा, विचार करो, जीवन को जीना चाहिए, और जीवन की उदासीनता को यदि दूर करना है और जीवन को यदि जीना है, जीवन जीने की शैली अगर सीखना है, तो सत्संग में आना पड़ेगा। निश्चित रूप से जीवन